धारा 61 बताती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे के लिए। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अंकित, भावना, हर्षिता, थैंक यू। आप ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, ये बताओ। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। देखो मुझसे अभी क्वेरी पूछी गई थी, एक तो सेक्शन नंबर 41 बोला था, ठीक है। तो उसमें तो ये था कि अगर वचन रहता तृतीय पक्षकार से निष्पादन स्वीकार करता है तो उस हद तक वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा, जबकि ना तो वचनदाता ने तृतीय पक्षकार के कार्य की पुष्टि की थी और ना ही उसकी स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो जैसे 10,000 रुपये उधार लिए और पैसे वापस नहीं कर पाया ए बी को, ए के बिहाफ पे सी ने कितने कर दिए पेमेंट, 6,000। तो बी जो है ना सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए केस फाइल कर सकता है, 4,000 के लिए। ये था आपकी धारा 41। दूसरी धारा कौन सी पूछी थी, 61। धारा 61 ये कहती है कि भाई अगर लेनदार और देनदार दोनों ऋण के विनियोजन के बारे में, भुगतान के विनियोजन के बारे में नहीं बताते तो समय के अनुसार लिया जाएगा। मतलब जो कर्जा पहले लिया था उसका विनियोजन पहले होगा, भुगतान के विनियोजन की थी धारा 61 लास्ट वाली, ठीक है। और अगर एक ही दिन के हैं तो वो उन्हें बराबर माना जाता है, और किस अनुसार, हाँ अनुपातिक रूप से उसका विनियोजन किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कालबाधित ऋण है या नहीं है। ये थी तुम्हारी धारा 61। तीन थी धाराएं इसमें, 59, 60, 61। 59 में बोलते थे कि देनदार की इच्छा पर, लेनदार की इच्छा पर, फिर देनदार की इच्छा पर पहले है ना, डेटर की, ऋण ग्रहीता की इच्छा पर, फिर ऋणदाता की इच्छा पर, और दोनों ना कहे तो जो समय के अनुसार, जो पहले लिया था उसका भुगतान पहले होगा, जो बाद में लिया वो बाद में होगा। अच्छा देखो, हम लेने जा रहे हैं साझेदारी अधिनियम की यूनिट नंबर 3। मैंने कुछ हद तक आपको एक्सप्लेन किया था लेकिन अपने पास आईसीआई नहीं थी इस वजह से अपन ले नहीं पाए थे। तो आज आईसीआई ओपन अप करो, लेके आयो ना आज। तो अभी अपन लेते हैं यूनिट नंबर 3। अभी कौन सा पेज चल रहा है, 209, मतलब 10 पन्ने और निकालने करीब। फर्म का पंजीकरण और समापन, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ोगे, पंजीकरण के बारे में। याद करो दो धाराएं पढ़ाई थी तुम्हें, 58 और 59, याद आ रहा है। माई कॉपी में भी लिखा हुआ है, चाहो तो एक बार फटाफट रिवाइज करो, फिर यहां से लेते हैं। 58 के अंदर हमने क्या बोला था, पहले तो हमने आपको बताया था कि पंजीकरण वैकल्पिक होता है, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ। फर्म जीवन काल में कभी भी पंजीकृत करा सकती है अपने आप को, जरूरी नहीं है शुरुआत के समय करवाए। और हमने बोला था कि पंजीकरण जो है वैसे तो ऐच्छिक है लेकिन हम वांछनीय है कि करवा लो, क्यों, बात प्रस्तुत करने की क्षमता पंजीकरण के बाद ही आती है। पंजीकरण की प्रक्रिया दो धारा थे आपकी, 58 और 59। 58 में आवेदन जाता था और 59 में पंजीकरण करता क्या करता था, पंजीकरण। 58 में हमने बोला था कि भाई जो साझेदार फर्म का पंजीकरण करवाना चाहते हैं एक आवेदन देते थे फर्म के रजिस्ट्रार को, साथ में जाता था एक विवरण जिसमें डिटेल जाती थी, फर्म का नाम, व्यवसायिक स्थान, साझेदारों की डिटेल, किस दिन से साझेदार बने, ठीक है, ये सब हमने, उस कितने समय के लिए साझेदारी कर रहे हो शुल्क के साथ। अब वहां पे चला गया उसके पास तो रजिस्ट्रार दो चीजों की चेक करता था, इस नाम से कोई विद्यमान फर्म तो नहीं है, फर्म के नाम के अंदर राजा रानी महाराजा जैसे शब्द तो नहीं आ रहे जिससे लगे कि आपकी फर्म राज्य घराने द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित है, तो वो अलाउड नहीं है। चेक करने के बाद दो काम करता था, रजिस्टर में प्रविष्टि करता था और फर्म को पंजीकरण का प्रमाण पत्र देगा। ये जो आवेदन गया था इसके ऊपर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए, भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार मुद्रांकित होना चाहिए। आप चाहो तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से या फिर डाक द्वारा ये भेजा जा सकता है रजिस्ट्रार के पास,
चाहे तो खुद जाके दे आओ और चाहे तो कैसे भेज दो, डाक द्वारा भेज दो, ठीक है। और ये आपकी फर्म का पंजीकरण पूरा कब माना जाता है, जब सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आवेदन पत्र रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाता है, फर्म पंजीकरण उसी दिन से मान ली जाएगी। और पंजीकरण का निश्चयात्मक प्रमाण क्या होता है, प्रमाण पत्र। 58 में आवेदन गया, 59 में पंजीकरणकर्ता ने पंजीकरण किया। अब यहाँ से देखते हैं, इनके जो सिग्नेचर होते हैं ना सायदारों के, वो प्रमाणित भी किए जाते हैं कि भी ये जो सिग्नेचर है बिल्कुल सही है, वेरीफाई किए जाते हैं। आप पढ़ के देखो एक बार, धारा 58, फर्म का पंजीकरण किसी भी समय एक निश्चित फॉर्म पर विवरण द्वारा उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार के समक्ष जहां आपकी फर्म का व्यापार स्थित है, डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भेजकर करवाया जा सकता है। उक्त विवरण के साथ क्या देनी होती है, फीस। विवरण में क्या क्या चीज दोगे, फर्म का क्या नाम है, फर्म कहाँ पे व्यवसाय करेगी, शाखाओं की डिटेल, किस दिन से साझेदारों ने प्रवेश किया, साझेदारों की डिटेल, फर्म की अवधि आदि। ये जो विवरण जा रहा है इस पे क्या होगा, सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होंगे अगर है तो। फर्म की अवधि अगर है तो, जैसे मान लो कि अगर आपकी साझेदारी नियत समय अवधि के लिए है तब तो होगी, वरना नहीं होगी। है तो दे तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या चीज, नहीं ये जो आपको दिए हैं इसके अलावा भी अगर वो कुछ मांगता है तो देना पड़ता है, फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर डिटेल भरी जाती है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, अथवा इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत एजेंटों के हस्ताक्षर होने चाहिए। या तो साझेदार व्यक्तिगत रूप से खुद कर दे, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, उनकी जगह कौन कर देगा, उनका एजेंट कर देगा। इस प्रकार से हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक साझेदार पुष्टि भी करेगा कि हस्ताक्षर बिल्कुल सही है, प्रमाणित किया जाएंगे हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्या रहा, एक फर्म का नाम में ये शब्द नहीं आने चाहिए जिससे ये लगे कि आपकी जो फर्म है उसे अभिव्यक्ति या सहमति या अनुमोदन मिला हुआ है, किसका, सरकार का। तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि राज्य की सरकार अपनी सहमति ना दे दे, और सहमति भी किसमें, लिखित में। यही पढ़ा था ना बेटा अपन ने, तो ये पूरा प्रोसेस आ गया इसका। ये थी पूरी धारा नंबर 58 के एनालिसिस। यूजुअली तो अपन दो में से एक चीज करते हैं, या तो मुख्य प्रावधान करते हैं या एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसके एनालिसिस में एक दो लाइनें कर लेना, एक दो लाइनें बहुत इजी इजी हैं। देखो क्या है, साझेदारी का पंजीकरण अंडरलाइन करो स्वैच्छिक है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको साझेदार बनना ही पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि फर्म को शुरू में ही पंजीकृत कराया जाए, जब पक्षकार निर्णय लेते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह पंजीकरण करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है शुरुआत में कराया जाए, फर्म जीवन काल में कभी भी पंजीकृत हो सकती है, लिखवाया था ना, ये बस एक्स्ट्रा कर लेना और कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें अभी नीचे रिपीट होंगी। क्या ये 58 होगी बेटा, ये गलत दिया हुआ, 58 ही चल रही है आपकी, देख लो। ये अब नहीं की भी स्पेलिंग गलत है तो है, अब ICAI ट्रांसलेशन प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी तो रहेगी। अब पंजीकरण देखो, रजिस्ट्रार के पास बात गई, वो संतुष्ट हो गया कि धारा 58 के प्रावधानों का पालन हो गया है, तो विवरण को क्या करेगा, रजिस्टर में दर्ज कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, फर्म का रजिस्टर, और उस विवरण को फाइल कर देगा। इसका एनालिसिस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रार संतुष्ट हो गया, प्रावधानों का पालन हो गया है, विवरण को फर्म के रजिस्टर में दर्ज कर देगा, फाइल कर देगा, और फिर क्या दे देगा, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। दो काम करेगा ये, एक तो रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी और एक क्या कर दिया, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जब एक निर्धारित फॉर्म कुछ समय पंजीकरण पूरा माना जाता है, जब निर्धारित फॉर्म में प्रार्थना पत्र, फीस और सभी आवश्यक विवरण सहित पंजीकरणकर्ता को भेज दिए जाते हैं, अगर पंजीकृत हुई तो किस दिन से मानी जाएगी, जिस दिन आवेदन पत्र दाखिल किया गया था। ये आ गया ना, क्योंकि बाकी सारा काम क्या है, पंजीयक का नित्य प्रतिदिन का कार्य है। अच्छा इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे मान लो एक अपंजीकृत फर्म है, उसने वाद प्रस्तुत कर दिया, अपंजीकृत फर्म है उसने वाद प्रस्तुत कर दिया किसी तृतीय पक्षकार पर, लॉयर अपॉइंट करने गए तो लॉयर ने बोला कि भाई आपकी फर्म तो कैसी है, अपंजीकृत है ना, तो आप तो वाद प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। तब आप ये सोच के बताओ कि वो लॉयर या वकील अपंजीकृत फर्म को क्या सलाह देगा, पहले तो बोलेगा गलती को सुधारो, तुम्हारी फर्म कैसी, अपंजीकृत, तुमने कर दिया वाद प्रस्तुत, तुम कर नहीं सकते। पहले क्या बोलेंगे, वाद वापस लो, पहला स्टेप। दूसरा, फर्म का पंजीकरण कराओ,
तीसरा दोबारा से वाद प्रस्तुत करो। आप पढ़ लो, ये दो लाइनें आ जाएंगी समझ में। पंजीकरण फॉर्म द्वारा एक वाद दायर करने के बाद भी प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में आवश्यक है कि पहले वाद को क्या किया जाए, हटाया जाए, फिर क्या कराया जाए, पंजीकरण, और फिर क्या करूं, नया वाद दायर करो। यही प्रोसेस है। समझ आई बात की नहीं, यही बताओ। इसमें एक दिया हुआ है जुर्माने के भुगतान पर विलंब से पंजीकरण। अब ये तुम्हें लेना नहीं है, मैं सिर्फ बता देती हूँ। देखो इसमें है क्या, वैसे भी हमें पता है कि पंजीकरण कैसा है, ऐच्छिक है, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ। फिर दिमाग में आता है मैम पेनल्टी किस चीज़ की, भाई आपने प्रक्रिया शुरू कर दी, कोई डॉक्यूमेंट मांगा रजिस्ट्रार ने आपसे, कुछ कमी थी पर आपने उसे फाइल ही नहीं किया, तो आप 100 रुपीज़ पर ईयर ऑफ डिले के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे, 100 रुपये प्रति वर्ष। जब भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तो पुराना डिफॉल्ट है, भाई तुमने रजिस्ट्रार का टाइम वेस्ट किया ना, मांगेगा पेनल्टी कि नहीं मांगेगा। पर ये वैसे यूजुअली लगेगी नहीं ना, क्योंकि हमें आकर हम रोकेंगे प्रोसेस, इसका मतलब हमें पंजीकरण कराना ही नहीं है। कभी कराओगे तो देखा जाएगा, और है भी नॉमिनल 100 रुपीज़ पर ईयर ऑफ डिले, 6 महीने से ऊपर होते ही क्या मानते हैं, 1 साल राउंडिंग ऑफ है। तो अब इसमें दिया हुआ भी होगा, ये देखो, फर्म को देरी के प्रत्येक कार्य भाग के लिए 100 रुपये के जुर्माने के रजिस्ट्रार को भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हें ये लेना नहीं है बेटा, ये याद मत करना। जब इच्छिक है तो कहे कि पेनल्टी याद करें। पंजीकरण नहीं कराने के परिणाम, धारा नंबर कौन सी, 69 याद आ रहा है कि भाई हमें वैसे तो कहा जा रहा है पंजीकरण कैसा, इच्छिक, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ, पर अपंजीकृत फर्म की अयोग्यताओं के कारण साझेदारों के रूप में देखा जाए तो फर्म पे काफी दबाव रहता है कि वो पंजीकरण कराए। अयोग्यताएं क्या क्या है वो दी हुई है धारा 69 में, बेसिकली 4 अयोग्यता थी याद करो। फर्म साझेदार पर, साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। दूसरा, तृतीय पक्षकार वाद प्रस्तुत कर सकता है, फर्म तृतीय पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। 100 रुपए से ऊपर की राशि का समायोजन, कटौती, मुजराई सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, पंजीकृत फर्म, याद आ रहा है। तब वही पॉइंट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। समापन की दशा में फर्म साझेदार पर, साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, याद आ रहा है। समापन की दशा में कोई भी फर्म तृतीय पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करना चाहती है, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी, फर्म क्या होनी चाहिए, पंजीकृत, दूसरा जो लोग वाद प्रस्तुत कर रहे हैं उनका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। यद्यपि फर्म पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, परंतु उसके परिणाम अथवा पंजीकरण नहीं करवाने से उत्पन्न अयोग्यताओं का पंजीकरण करवाने के संबंध में उत्पन्न करने वाला प्रभाव है, अविश्वास उत्पन्न करने वाला प्रभाव है। टिप्पणी कीजिए, अयोग्यताएं बताइए। यद्यपि क्या है, ये वैकल्पिक है, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ, पर पंजीकृत फर्म की अयोग्यताओं के कारण काफी दबाव रहता है कि आप क्या करा लो, पंजीकरण। उन अयोग्यताओं के बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 4 अयोग्यताएं हैं, एक एक करके लेते हैं अपन। सबसे पहली अयोग्यता क्या कहती है कि फर्म तृतीय पक्षकार के विरुद्ध फर्म या सह साझेदार वाद दायर नहीं कर सकते। तृतीय पक्षकार के फर्म वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएगी, फर्म वाद प्रस्तुत सिर्फ तभी कर सकती है, पहला फर्म कैसी हो, पंजीकृत, दूसरा जो व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर रहे हैं उनका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए। यही है, पढ़ो अब एक बार। फर्म अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसके आधार पर तृतीय पक्षकार के विरुद्ध फर्म द्वारा किए गए अनुबंध को भंग करने के संबंध में मुकदमा नहीं कर सकता, जब तक कि फर्म पंजीकृत ना हो और मुकदमा करने वाले व्यक्तियों का नाम फर्म के रजिस्टर में रजिस्ट्रार के रूप में दर्ज ना हो। ये दो शर्तें पूरी करो तभी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दावों को मुजरे लगाने के लिए साझेदारों को कोई भी मुक्ति नहीं है, मतलब 100 रुपए से ऊपर की राशि का समायोजन कराना चाहते हो फर्म का पंजीकृत होना आवश्यक है। याद आ रहा है, किसी तृतीय पक्षकार ने फर्म के ऊपर वाद प्रस्तुत किया कि आप हमें 10 लाख रुपए दो, हमारी फर्म कहना चाहती है हमें भी आपसे 4 लाख रुपए लेने हैं, कब कह सकती है, जब फर्म पंजीकृत। क्या लिखा है पढ़ो, यदि फर्म के विरुद्ध किसी तृतीय पक्षकार के द्वारा मुकदमा किया गया है तो ना तो फर्म ना ही उसके साझेदार कटौती की मांग कर सकते हैं, यदि मुकदमे की राशि किससे अधिक है, 100 रुपए से अधिक। यहां तक कर लेना,
कर लोगे यहाँ तक? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। सिर्फ ये चार पॉइंट तक लिखना था, यहाँ तक। आईसीआई में भी पीछे दिए हुए क्वेश्चन में से एक है, सिर्फ ये चार पॉइंट। दूसरा आ गया, आप तीसरे पे आ जाओ। पीड़ित पक्षकार फर्म, पीड़ित साझेदार फर्म व अन्य साझेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता, मतलब फर्म साझेदार पर, साझेदार फर्म पर बात प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। समापन की दशा में कर सकता है भाई, हिसाब किताब की मांग के लिए, फर्म को बंद कराने के लिए तब किया जा सकता है। एक पंजीकृत फर्म के साझेदार को फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, अथवा उस व्यक्ति को जिस पर साझेदार होने का आरोप है अथवा जो फर्म में साझेदार था, फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का अधिकार नहीं है, परंतु कथित व्यक्ति फर्म के समापन के लिए अथवा हिसाब किताब को मांगने के लिए और समापन होने पर फर्म की संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। कब? समापन के समय। समापन के समय अयोग्यता दूर हो जाती है ये वाली। समापन के समय फर्म साझेदार पर और साझेदार फर्म पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं, पढ़ा था अपन ने। और तृतीय पक्षकार तो हमेशा कर ही सकता है, चाहे फर्म पंजीकृत हो या ना हो। अब आएंगे इसके अपवाद। यहाँ तो चार आ रहे होंगे, तुम्हें लिखने पांच है। फर्म के पुनर्गठन पे जैसे देखो, जहां जहां सूचना देने की जरूरत नहीं है वहां कर सकते हो, जहां सूचना देने की जरूरत नहीं है वहां कर सकते हो, जैसे दिवालिये पे कर सकते हो, मृत्यु पे कर सकते हो, अभी आएगा देखो इसमें, इन केसेस में कर सकते हो। सबसे पहले तो बोला थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, याद आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म पंजीकृत है या नहीं है। ₹100 तक की राशि का समायोजन, चाहे पंजीकृत हो चाहे अपंजीकृत हो, दोनों कर सकते हैं। समापन के समय फर्म साझेदार पर, साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। दिवाली की स्थिति में राजकीय प्रापक वाद प्रस्तुत कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म पंजीकृत है या नहीं है। मृत्यु के मामले में वैधानिक उत्तराधिकार। अब ये मृत्यु वाला पॉइंट तो न्यू बुक में ऐड हुआ है बेटा, मैंने लिखवाया था तुम्हें, देख लेना। तो इसमें चार आ रहे हैं, तुम्हें पांच लिख के आने, चार तो यहाँ आ ही रहे हैं। देखो, फर्म या किसी साझेदार के ऊपर बात करने का तृतीय पक्षकार का अधिकार, वो हमेशा बात प्रस्तुत कर सकता है। समापन के समय फर्म साझेदार पर, साझेदार फर्म पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। तो समापन के लिए, समापन पर हुई फर्म के खातों के निपटान हेतु, समापन पे हुई फर्म की संपत्तियों की वसूली हेतु आप मुकदमा कर सकते हो, पर कब? समापन के समय। दिवाली की स्थिति में संपत्ति को रिलीज कराने के लिए, विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ऑफिसियल रिसीवर कौन? राजकीय प्रापक, वह बात प्रस्तुत कर सकता है। फिर आया बात करने या प्रतिपूर्ति का दावा, अगर मूल्य कितना है, नहीं है 100 से अधिक नहीं है तो अलाउड है। एक एक्स्ट्रा दे क्या, मृत्यु के केस में वैधानिक उत्तराधिकारी बात प्रस्तुत कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म पंजीकृत है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको कि नहीं है? बताओ। मोनू क्या वापस बताने को बोल रहा था? आई थिंक मैंने पूरा रिपीट किया है अभी, कोई स्पेशल पॉइंट है तो बता, मैं बता दूंगी। यहाँ तक समझ आया क्या? बताओ। अब अपन लेने जा रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आया ना पंजीकरण में तो 99% तक ऐसा आने के चांसेस है जो अब हम लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना, पंजीकरण पे केस स्टडी इस पॉइंट पे बनती है, या फिर वो बना सकता है समापन वाले पॉइंट पे, अभी तक बनी नहीं है, इस पे तो बन चुकी है क्या? सुनो, ए एंड कंपनी को 2015 में साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत किया गया। उस समय कौन कौन साझेदार हैं? ए, बी और सी। इसका मतलब रजिस्ट्रार के रजिस्टर में किस किस का नाम आ रहा होगा बेटा? ए, बी और सी का, ठीक है। 2016 में ए की मृत्यु हो गई, 2017 में बी और सी ए एंड कंपनी के नाम से उसके आधार पर एक्स पर मुकदमा करते हैं। फर्म का पुनः पंजीकरण नहीं करवाया गया है। अब आपको विचार करना है कि क्या मुकदमा किया जा सकता है। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, फर्म होनी चाहिए पंजीकृत है या नहीं है, बताओ। 2015 में पंजीकरण हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, जो वाद प्रस्तुत कर रहे हैं उनका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दर्ज होना चाहिए। बी और सी का है कि नहीं है, बताओ। है, दोनों शर्तें पूरी हो गई, वाद किया जा सकता है। और वैसे भी सुनो ना, मृत्यु के मामले में सार्वजनिक सूचना की जरूरत ही नहीं है, मृत्यु के केस में सार्वजनिक सूचना अनिवार्य ही नहीं है। सार्वजनिक सूचना बेसिकली तीन जगह दी जाती है, अगर आपकी फर्म पंजीकृत है तो रजिस्ट्रार को बताते हैं, वरना एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में बताते हैं, और एक बताते हैं राजकीय गजट में। लेकिन यहाँ पे मृत्यु में और दिवालिया में तो हमको सार्वजनिक सूचना देनी नहीं होती ना, तो रजिस्ट्रार को बिना बताए भी काम हो सकता है। ये समझ में आया? अब इसके अंदर देखो, इसी का दूसरा पार्ट,
अभी वापस आएंगे इस पे, आंसर पार्ट मैं कराऊंगी इसका। हाईलाइटेड आ रहा है वो पढ़ो। अब उपयुक्त उदाहरण में क्या अंतर होगा अगर 2017 में बी और सी ने एक सायदा डी को शामिल किया होता, फिर बिना पंजीकरण के मुकदमा किया होता? अब कर सकते हैं क्या? अब नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो भाई, फॉर्म तो पंजीकृत है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, दूसरी नहीं हो पाई। डी का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में सायदार के रूप में दर्ज नहीं है। अब किसी का माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल जाए और वो ये सोचे कि मैम बात तो बी और सी कर रहे हैं, डी थोड़ा ना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या नियम लगता है, एक सबके लिए सब, एक के लिए। वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी को, और डी का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नहीं आ रहा, इसलिए बात प्रस्तुत करना संभव नहीं। समझ आ गई बात? अब इसका आंसर इन्होंने किस तरीके से दिया है वो देखो एक बार। आंसर दिया हुआ है वो पढ़ते हैं एक बार। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या एक पंजीकृत फर्म, फर्म तो पंजीकृत ही थी ना, जिसके व्यापार को सायदार की मृत्यु के पश्चात भी क्या रखा जाता है, जारी रखा जाता है, किसके द्वारा? शेष सायदारों द्वारा। और इस चीज की सूचना जो है वो नहीं दी गई है, किसको? रजिस्ट्रार को। तो क्या मुकदमा किया जा सकता है शेष सायदारों द्वारा? बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये चीज ये दो बार रिपीट करेगा, वही चीज ऊपर आ रही है। देखो, उसके कथित समापन के पश्चात पंजीकरण नहीं कराया गया था, उपसायदार के विषय में कोई नोटिस पंजीकर्ता को नहीं दिया गया था, फिर भी बात प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या चीजें पूरी होनी चाहिए? दो शर्तें। ये दो शर्तें धारा 69(2) की हैं। कौन कौन सी? पहला, आपकी फर्म कैसी होनी चाहिए? पंजीकृत। दूसरा, जो व्यक्ति मुकदमा दायर कर रहे हैं उन्हें क्या है, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में सायदार के रूप में दर्शाया गया हो। अब भाई दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए मुकदमा किया जा सकता है। फिर इस वाले केस में नया सायदार आया, प्रवेश किया, उसकी पंजीकरण को आपने पंजीयनकर्ता को, पंजीयक को सूचना नहीं दी। सूचना देना आवश्यक होता है ताकि वो क्या करे, अपने रिकॉर्ड में, रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि कर ले। आपने दी नहीं उसको सूचना, इस प्रकार फर्म मुकदमा नहीं कर सकती, क्योंकि डी नए सायदार का नाम फर्म के रजिस्टर में दर्ज नहीं कराएगा। और इसका मतलब क्या है सायदार का? सभी सायदार। मुकदमा करने वाला व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका नाम सायदार के रूप में रजिस्टर में व्यक्त किया गया हो, और वह सभी व्यक्ति मुकदमा करने जाने की तिथि को फर्म के सायदार होने चाहिए। कहना चाहते हैं एक सबके लिए सब, एक के लिए, तो डी का नाम भी वहां पर आना चाहिए। अगर कोई नया प्रवेश करता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होती है, किसको? पंजीयक को, ताकि वो क्या करे, अपने रजिस्टर में एंट्री डाले उसके नाम की, चेंजेस करे। आपने उसको बताया नहीं डी का नाम आया नहीं, डी का नाम नहीं आ रहा तो बात नहीं कर पाओगे। एक सबके लिए सब, एक के लिए, डी का नाम नहीं आएगा तो बात नहीं हो सकता। कर लोगे बेटा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? एक चीज याद रखना, इतने आपकी न्यू वाली बुक में आईसीआई के पीछे क्वेश्चन दिए ना, मेजोरिटी मैंने खुद ने कराए हैं, पर करने नए वाले बुक है ना, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए ना हर टॉपिक के, जहां तक है 90% कोशिश है मैं खुद ही करा रही हूं। फिर भी अगर कोई रह जाता है ना, उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना मेन एग्जाम में, क्योंकि है तो बेटा आईसीआई का ही मटेरियल ना, कल को उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लेने जा रहे हैं इसके आगे का टॉपिक। अब आया हमारा समापन। समापन पढ़ा था कल, याद करो धारा 39 क्या कहते हैं, सभी सायदारों के मध्य सायदारी समाप्त हो जाए तो कहते हैं फर्म समाप्त हो गई। सभी सायदारों के मध्य वैधानिक संबंधों की समाप्ति पर फर्म का समापन हो जाता है, धारा नंबर 39। पर कई अवस्थाओं में क्या होता है, सायदारों के मध्य संबंधों में परिवर्तन आता है परंतु फर्म जारी रहती है। पुनः गठन वाले पॉइंट, नए सायदार का प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, दिवालिया, याद आ रहा है, निष्कासन आदि। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में अंतर, फर्म के समापन और सायदारी के समापन में। क्या लिखा हुआ है देखो, फर्म के समापन का अर्थ है सभी सायदारों के बीच विद्यमान वैधानिक संबंधों की समाप्ति। परंतु कई बार क्या होता है, एक सायदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया, पागलपन आ गया, तो वहां पर फर्म खत्म नहीं होती, सिर्फ क्या होता है सायदारों के मध्य संबंधों में बदलाव आएंगे, इसको क्या बोलेंगे, साझेदारी का समापन। अब हम अंतर पढ़ने जा रहे हैं फर्म का समापन और सायदारी के समापन में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, करके जाना इसको। पहला, व्यवसाय को चलते रहने का चलते रहना, फर्म समाप्त होगी तो व्यवसाय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, जबकि अगर सायदारी का समापन हुआ है तो व्यवसाय जारी रहेगा। पहला डिफरेंस, यहां पर व्यवसाय अवरुद्ध मतलब खत्म, और यहां व्यवसाय क्या रहेगा, चालू रहेगा। ठीक है,
दूसरा समापन, फर्म का समापन हुआ है तो संपत्तियों को बेचा जाएगा और उसके दायित्वों को निपटाया जाएगा। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, एक वर्ड होता है ये, देखो रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। फर्म का समापन होता है तो फर्म की असेट्स को बेचा जाता है, फर्म के डेब्ट्स या दायित्वों का भुगतान किया जाता है, ठीक है। साझेदारी का समापन हुआ तो सिर्फ रीवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन, यह केवल पुनः गठन का ही समावेश करता है। यहाँ पर केवल फर्म के दायित्व और संपत्तियों का क्या होता है, पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो ये डिफरेंस है, देखो फर्म के समापन में रियलाइजेशन होता है और साझेदारी के समापन में रिवैल्यूएशन होता है, ये डिफरेंस है। न्यायालय का आदेश, फर्म का समापन अभी आगे जाके पढ़ेंगे दो तरीके से होता है, एक तो न्यायालय के आदेश से और एक बिना न्यायालय के आदेश से। तो फिर फर्म का समापन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है, जबकि साझेदारी के समापन का आदेश न्यायालय नहीं देती, ये अंतर है। क्षेत्र कौन सा बड़ा है, किसका दायरा बड़ा है, फर्म का समापन, फर्म समाप्त होगी तो साझेदारी तो ऑटोमेटिकली समाप्त है, पर साझेदारी समाप्त हुई है तो जरूरी नहीं है कि फर्म का समापन हो। तो फर्म के समापन में क्या लिखा है, यह अनिवार्यता है, साझेदारी के समापन का समावेश करता है। दूसरी तरफ फर्म के समापन का समावेश कर भी सकता है और नहीं, जरूरी है कि नहीं है, बताओ ये चीज, भाई हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं है। पुस्तकों को अंततः बंद करना, फर्म समाप्त होगी तो खत्म कर देंगे, और अगर फर्म नहीं साझेदारी समाप्त हुई है तो कंटिन्यू करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है क्या, बताओ बेटा, अंतर कर लोगे आगे तो? Yes, अंतर अच्छे से करके जाना ये। हाँ साझेदारी का समापन है, फर्म का समापन नहीं है। देखो साझेदारी का समापन मतलब साझेदारों के मध्य साझेदारी संबंधों में बदलाव आएंगे परंतु फर्म जारी रहेगी, साझेदारी का समापन बोला वही है। देख बेटा ये वाला पॉइंट, ये लिया ना, ये लाइन पढ़, समझ आ गई चीज। साझेदारी का समापन मतलब पुनः गठन, कब पढ़ा, यूनिट 2 में, वो 5 केस पढ़ाए थे ना, नए का प्रवेश, सेवानिवृत्ति, अवकाश ग्रहण, निष्कासन, मृत्युदि वाले, वो है, वो साझेदारी का समापन है, बाकी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ तो खत्म ही हो जाएगी, ये अंतर है। खुद ने बोल दिया इसने पुनः गठन। अब आया क्या यहाँ पर, बिना न्यायालय के आदेश द्वारा समापन, याद आ रहा है? अच्छा इसमें से देखो, पहले तो चार्ट बना हुआ है आईसीए में तुम्हारे, यहाँ पे फर्म का समापन बिना न्यायालय के आदेश से, न्यायालय के आदेश द्वारा, हमने ये कवर किया था पोर्शन बिना न्यायालय के आदेश से। दादा 39 में तो परिभाषा थी समापन की, 40 के अंदर बिना न्यायालय ये वाला आ जाएगा, आपसी सहमति वाला, सभी साझेदारों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि अब हम आगे फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, आपसी सहमति द्वारा फर्म समाप्त कर देंगे, न्यायालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला क्या आया, पारस्परिक ठहराव द्वारा। दूसरा अनिवार्य समापन, सिर्फ और सिर्फ 3 मामलों में, बता सकते हो कौन से, सारे दिवालिया, एक को छोड़कर सब दिवालिया, और फर्म का व्यवसाय ही अवैधानिक हो जाए, याद आ रहा है, एक फर्म एक केमिकल में डील करती थी, हाँ सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, फर्म का अनिवार्य समापन। अच्छा एक चीज सोच के बताओ, है ना, अनुबंध अधिनियम याद आएगा कुछ कुछ तुम्हें, एक फर्म के अंदर, एक फर्म जो है वो 5 काम करती है, पृथक गतिविधियां हैं 5, ए बी सी डी ई, ई गतिविधि को सरकार ने अवैधानिक घोषित कर दिया, तो क्या फर्म बंद हो जाएगी, नहीं, इन चारों को कंटिन्यू किया जा सकता है। मैंने बोला कैसी गतिविधियां, पृथक, कैसी गतिविधि, प्रतिविधि। तो आप याद करो शायद उसमें पढ़ा था आपने अनुबंध अधिनियम में, एक अनुबंध के 2 भाग, एक वैधानिक दूसरा अवैधानिक, अगर आप पृथक कर सकते हो तो वैध वाला भाग वैध और अवैध वाला भाग व्यर्थ घोषित किया जाएगा, यही आ रहा है, सेम है, अलग अलग कर सकते हो तो वैध वाला भाग जारी रखा गया। आगे क्या आया देखो बेटा, इसमें किसी आकस्मिकता के घटित होने पर, आकस्मिकता मतलब घटना, घटना के घटने पर समय अवधि समाप्त हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, मृत्यु, दिवालिया, यही 4 थे। फिर आ रहा है सूचना द्वारा,
सूचना द्वारा कब? ऐच्छिक साझेदारी। फर्म किस दिन से समाप्त मानी जाएगी? सार्वजनिक सूचना आप यहाँ नहीं देते हो। ऐच्छिक साझेदारी में सूचना कैसी होती है? अन्य साझेदारों को सूचना होती है। पहली चीज ये दिमाग में रखना। फर्म किस दिन से समाप्त मानी जाएगी ऐच्छिक साझेदारी में? सूचना के दिन से। भाई जो आप सूचना दे रहे हो अन्य साझेदारों को, उस पर कोई डेट लिखी हुई है उस दिन से, और अगर उस पर डेट नहीं लिखी है तो सूचना के संवहन के दिन से, जिस दिन आपने उन्हें बताया वो सूचना पकड़ाई उस दिन से। या तो सूचना पे दिन तिथि लिखी हुई है तो उस तिथि से, और तिथि नहीं लिखी है तो सूचना के संवहन के दिन से। ये पढ़ेंगे, है ना। अब एक बार ये पोर्शन करा देती है तुम्हें, यहाँ से पूरा डिटेल ले लो। ये धारा 40 चल रही है, एक मिनट। न्यायालय के आदेश के बिना समापन है, इसीलिए इसको स्वैच्छिक समापन भी बोलते हैं। पहली धारा क्या आ रही है? धारा 40, ठहराव द्वारा समापन। एक फर्म को साझेदारों के बीच अनुबंध के अनुसार या सभी साझेदारों की सहमति से समाप्त किया जा सकता है, इतना ही लेना है। अनिवार्य समापन, किसी एक फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है ऐसी घटना के घटित होने पर जो साझेदारों द्वारा चलाए गए व्यवसाय को गैर कानूनी बना दे। इसमें जो अभी तीन पॉइंट बताए थे ना, तुम्हें कॉपी में लिखवाए हैं, वो तीनों डाल के आना। अभी आईसीआई के पीछे से क्वेश्चन दिखा दूंगी, उसमें वो तीन लिख के आएंगे। सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, एक को छोड़कर सारे दिवालिया, या व्यवसाय कैसा आवेदन। यहाँ तो सिर्फ व्यवसाय वाली बात बोल रहा है ये। अभी पीछे देखना, ये तीनों चीजें देगा आंसर पार्ट में, क्योंकि धारा 41 में तीनों दी हुई हैं। व्यवसाय कैसा गैर कानूनी हो गया। अब ये पढ़ के देखो, फर्म का द्वारा एक पृथक उपक्रम से अधिक को चलाया जाता है तो एक या अधिक की अवैधानिकता बाकियों को समाप्त नहीं करेगी। फर्म समाप्त नहीं होगी, बाकियों को जारी रख सकते हो। एक उदाहरण भी दिया इसका पढ़ना। रसायन विशेष में व्यवसाय चलाती है, कानून पारित हुआ, उस रसायन को क्या कर दिया? अच्छा ये देखो, दिवालिया दोनों में आया था, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आया। अंतर पता है कि नहीं पता है? सेकंड में सारे दिवालिया या एक को छोड़कर बाकी सारे दिवालिया, जबकि थर्ड में केवल एक सक्रिय साझेदार का दिवालिया होना भी शामिल है ना, ये अंतर था। अब आकस्मिकता के घटने पर, आकस्मिकता में ये चार पॉइंट थे कि नहीं थे, देखो एक बार। फर्म को नियत अवधि के लिए बनाया गया था, अवधि समाप्त हो गई। फर्म जो एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई थी और कार्य पूरा हो गया, फिर मृत्यु, फिर दिवाली, यही चार पढ़े थे अपन। अब आएगा क्या? ऐच्छिक साझेदारी, सूचना द्वारा समापन। पर यह सार्वजनिक सूचना नहीं है, यह अन्य साझेदारों को सूचना है। जहाँ साझेदारी स्वैच्छिक है, फर्म के समापन की अपनी भावना को अन्य सभी साझेदारों को लिखित में सूचना देकर के समाप्त किया जा सकता है। यदि तिथि का उल्लेख है तो फर्म उसी तिथि से समाप्त हो जाएगी जो तिथि नोटिस में लिखी है, और अगर नहीं है तो सम्मान की तिथि। यही पढ़ा था हमने अभी, है ना। अब तुम देखो, तुमने हर जगह एक स्टेटमेंट पढ़ा। जब मैंने यूनिट 1 स्टार्ट की थी ना साझेदारी की, तब भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बढ़ाया था। सामान्यतः एक साझेदार की मृत्यु और दिवालियापन फर्म को समापन की ओर ले जाएगा। अब सुनो, तुमने मृत्यु और दिवालियापन साझेदारी के समापन में भी पढ़ा था, फर्म के समापन में भी पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? दोनों जगह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पुनर्गठन में भी मृत्यु दिवालिया था यूनिट 2 में, यूनिट 3 में अभी पढ़ रहे हो, यहां भी मृत्यु दिवालिया आया। प्राथमिकता किसको देते हैं? फर्म के समापन को। इसीलिए वो स्टेटमेंट बनाया कि सामान्यतः एक साझेदार की मृत्यु और दिवालियापन फर्म को समापन की ओर ले जाएगा। खत्म। वह उसमें एक चीज और भी तो लिखते थे ना पुनर्गठन में, अन्य साझेदार चाहे तो समझौते द्वारा उसे जारी रख सकते हैं, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो वही चीज बोले कि है तो दोनों में ही समापन में अपने को दिया हुआ है, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देते हैं? फर्म के समापन को। इसलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें आई, यूनिट 2 में भी मृत्यु दिवाली आया था और यहाँ 3 में भी पढ़ रहे हो। साझेदारी के समापन में भी था और फर्म के समापन में भी है। आगे क्या आ रहा है इसके अंदर देखो। अब आएगा न्यायालय द्वारा समापन, न्यायालय के आदेश से समापन। तो पहले तो मैं तुम्हें चार्ट से समझाऊंगी, फिर उसके बाद में यहीं से करा दूंगी। न्यायालय के आदेश द्वारा समापन, अब क्या होगा? देखो, अभी इससे पहले वाले में तो हम कोर्ट में जा ही नहीं रहे थे, बिना कोर्ट में जाए हमारा काम पूरा हो रहा था, याद आ रहा है? अब इस बार क्या करेंगे, कोर्ट में जाएगी हमारी पिटीशन याचिका, और न्यायालय हमारी फर्म को समाप्त कराएगी।
ये होगा अब, है ना। सबसे पहला क्या आ रहा है? पागलपन। ये देखो न्यायालय के आदेश वाले सारे पॉइंट एक ही धारा में, धारा नंबर 44, जबकि उसके लिए अलग से चार धाराएं बनाई गई थी। बिना न्यायालय के आदेश की चार धाराएं थी, 40, 41, 42, 43, और ये अकेला एक है धारा 44, इसमें सारे कवर्ड है। सबसे पहले क्या आ रहा है? पागलपन। अब देखो क्या होता है कि भाई एक सक्रिय साझेदार है वो हो गया पागल और बाकियों से व्यवसाय संभल नहीं रहा, आपसी सहमति बन नहीं पा रही, क्या करें? न्यायालय में याचिका दे देंगे, न्यायालय आपकी फर्म को समाप्त करवा देंगे। जैसे अवयस्क के मामले में संरक्षक नियुक्त होता है, वैसे ही पागल के मामले में एक व्यक्ति अपॉइंट होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। अब आपके वाले में तो उसका जस्ट ट्रांसलेशन करेगा आई थिंक अगला मित्र, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे माइनर के केस में गार्जियन होता है, वैसे ही इनसेन यानी पागल के केस में क्या होता है? नेक्स्ट फ्रेंड। तो जो काम वो करना है उसकी जगह कौन करेगा? अगला मित्र, है ना। चलो दूसरा आ रहा है स्थाई असक्षम। एक सक्रिय साझेदार स्थाई रूप से असक्षम हो गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने बोला पहले की तरह कभी भी काम नहीं कर पाएगा, और क्या है, सर्वसहमति बन नहीं पा रही। अब क्या करें भाई, न्यायालय में क्या देते? याचिका, न्यायालय आपकी फर्म को समाप्त करवा दे। पर कैसी होनी चाहिए असक्षमता स्थाई? कोविड हो गया तो ऐसा नहीं कि उसे हटा देंगे, फर्म को कर देंगे अपन खत्म, ऐसा कुछ नहीं, स्थाई रूप से असक्षम, है ना। फिर क्या हुआ तीसरा? दुराचरण। एक साझेदार गलत आचरण करता है, और यह नियम क्या लगता है? एक सबके लिए सब, एक के लिए। दिमाग तो ये कहता है ना, जो दुराचरण कर रहा है उसको ही निकाल दो, फर्म को समाप्त करने की क्या जरूरत है? सही कह रही क्यों नहीं कह रही बताओ? पर उसके लिए धारा 33 फॉलो करनी पड़ती है। धारा 33 का पहला पॉइंट ही कहता है साझेदारी संलेख में प्रावधान नहीं है, अब क्या करें? न्यायालय में याचिका दे दो, न्यायालय आपकी फर्म को समाप्त करवा दे। प्रावधान है तो निकाल देंगे ना, फर्म क्यों खत्म करे, चलने देते हैं। वो पूरा करना पड़ेगा धारा 33, उसको करना आसान नहीं है ना, और हो नहीं पा रहा, क्या करें। अच्छा, दुराचरण जरूरी नहीं है कि फर्म के व्यवसाय से संबंधित हो, पर यह जरूरी है कि दुराचरण का फर्म के व्यवसाय पर गलत असर पड़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ठहराव का निरंतर उल्लंघन। एक साझेदार लगातार साझेदारी समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अब है क्या उल्लंघन, तो करता है यहां पे एक, और जिम्मेदार होती है पूरी की पूरी फर्म। अब बाकी लोग इसकी गलतियों का खामियाजा क्यों भुगतते हैं? लॉजिक कहता है उसको निकाल दो, निष्कासन हो नहीं पा रहा, क्या करें? न्यायालय में याचिका दे दो, न्यायालय आपकी फर्म को समाप्त करवा देगी। अब ये ठहराव का निरंतर उल्लंघन किस तरीके से, गलत तरीके से खाते मेंटेन कर रहा है, साझेदारों के कहने के बाद भी उन्हें हिसाब किताब नहीं दिखा रहा है, जितना अलाउड है उससे ज्यादा नगद अपने पास रखता है, संपत्ति का दुरुपयोग करता है, यह सब क्या है? साझेदारी समझौते का उल्लंघन है। नेक्स्ट, हित का अंतरण। अब ये देखो धारा 29 यूनिट नंबर 2 याद आ रहा है? क्या पढ़ा था? एक साझेदार अपना हित तृतीय पक्षकार को हस्तांतरित कर सकता है, पर चाहिए सर्वसहमति। एक ने भी सहमति नहीं दी, गड़बड़ है यहाँ पे। एक फर्म में 5 साझेदार ABCDE। ई अपना हित हस्तांतरित करना चाहता है मिस्टर एक्स को, ए बी सी ने हाँ बोल दी, डी ने नहीं बोली। अब ये अकेला डी, अगर इससे कर भी दिया सपोज करो, ये अकेला डी न्यायालय में याचिका दायर करके फर्म को समाप्त करवा सकता है। इसलिए बोला क्या जरूरी है? सर्वसहमति। क्या जरूरी है? सर्वसहमति। जिसकी सहमति नहीं ली ना, वो पूरी फर्म ही खत्म करा देगा। हाँ, इससे तो बच के रहना है। निरंतर हानियां फर्म को हो रहे हैं, लगातार लॉसेस। पहले साल 30,000 का लॉस, दूसरे साल 50,000 का लॉस, तीसरे साल 75,000 का लॉस। अब बोलेंगे भाई कौन बंदा चाहेगा कि लॉस में कंटिन्यू करें? बोलो मैम इसमें तो सर्वसहमति बननी चाहिए थी, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? अब एक बंदा फर्म का फाउंडर, उसके इमोशन जुड़े हुए हैं फर्म के साथ कि मैं जिंदा हूं तब तक फर्म को खत्म होने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी मैं सहमति दूंगा नहीं, मेरी सहमति के द्वारा बिना तुम खत्म नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या बचा? न्यायालय में चले जाओ, न्यायालय इस आधार पर आपकी फर्म का समापन करवा सकती है। आखिरी बात, अन्य कारण। जो भी न्यायालय को क्या लगे, उचित लगे, साम्य लगे, न्यायिक लगे, तो वो उन्हें दे सकती है। जैसे प्रबंध में गतिरोध। प्रबंध में गतिरोध कैसे? एक साझेदारी फर्म में 4 साझेदार, है ना। अब हुआ क्या, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, दो दो की ग्रुपिंग बना ली, दो तो बोलते हाँ और दो बोलते ना, कोई निर्णय आ ही नहीं पाता। कम से कम चाहिए बहुमत,
कम से कम क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, तो वो आ ही नहीं पाया। प्रबंध में गतिरोध। दूसरा एग्जाम्पल देते हो, साझेदार जो है ना उनकी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या करें भाई, अब यहाँ पर तो समापन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, निर्णय नहीं आ पाएगा ना। न्यायालय में याचिका दो, फर्म आपकी समाप्त न्यायालय करवा देगा। जुआ खेल रहा है किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। लगे मैम स्टॉक एक्सचेंज में कोई जुआ थोड़ा होता है, अलाउड है। पर अलाउड तो है, बट पैसा किसका होना चाहिए बेटा, अपना होना चाहिए। तुम पैसा किसका लगा रहे हो, फर्म का, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। साझेदार क्या कर रहा है, फर्म का पैसा लगा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसे किसमें ले लिया जाएगा, अन्य कार्यालय, न्यायालय चाहे तो इसका समापन करवा सके। आपने फर्म का निर्माण जिस आधार के लिए किया था, वो आधार ही खत्म हो गया। आपने क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई फर्म बनाई, आपको लगा कि आने वाले समय में इसमें काफी बूम हो सकता है, हुआ क्या, अभी जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया, तो आपने बोला कि यार भविष्य में भी उठने की कोई उम्मीद नहीं लग रही, फर्म को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, आगे क्या लॉस उठाएंगे। बट एक साझेदार अटक गया, उसको वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी व्यक्ति है, उसको लगता है नहीं नहीं वापस आएगा, चिंता मत करो। अब क्या करें भाई, आप तो निकलना चाहते हो, वो निकलने दे नहीं रहा। न्यायालय में याचिका दे दो, न्यायालय आपकी फर्म को समाप्त करवा सकती है। क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा। ये हमने सारे कौन से पढ़े हैं, न्यायालय के आदेश द्वारा समापन, धारा नंबर 44। अब आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। न्यायालय द्वारा समापन, धारा नंबर 44। न्यायालय पक्षकारों के वाद पर फर्म को समाप्त कर सकती है। पहला पॉइंट आ रहा है पागलपन, अस्वस्थ मस्तिष्क। एक साझेदार कैसा हो गया, अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया। न्यायालय अन्य साझेदारों के वाद पर या पागल व्यक्ति के अगले मित्र के आवेदन पर फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। अब जो पागल हो गया वो तो खुद तो जाएगा नहीं, उसके बिहाफ पर जो पर्सन जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट फ्रेंड की हमारे हिंदी क्या की गूगल ट्रांसलेटर ने, अगला मित्र। ठीक है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, वैसे तो नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं उसको। तुम यही लिखा ना, तुम्हारा ऐसे ही चलेगा तुम्हारा, क्या करें। स्थायी तौर पर असक्षम, जहां एक साझेदार उसे छोड़कर जो वाद कर रहा है, भाई जो स्थायी रूप से असक्षम हो गया, बेचारा व्हील चेयर पे है, क्या उम्मीद करते हो वो आवेदन देने जाएगा, वो तो नहीं जाएगा ना, उसके अलावा कोई जाएगा ना। तो उसे छोड़कर, जहां एक साझेदार उसे छोड़कर जो वाद दायर कर रहा है, साझेदार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वाह में स्थायी रूप से क्या हो गया, असक्षम, आवेदन दे दो, न्यायालय क्या करा देगी, आपकी फर्म को समाप्त करा देगी। तीसरा दुराचरण, अब जो गलत काम कर रहा है वो तो वाद प्रस्तुत करने जाएगा नहीं कि मैंने गलत किया है, मेरे खिलाफ निर्णय दो, उसके अलावा कोई और करेगा ना, उसके अलावा, वही चीज यहां पे दी हुई है। जहां एक साझेदार जो वाद दायर कर रहा है उसके अलावा क्या है, दुराचरण का दोषी है, व्यवसाय के परिचालन पर गंभीर रूप से प्रभावित करता है, न्यायालय क्या कर सकती है, समापन का आदेश दे सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि दुराचरण व्यवसाय से संबंधित हो, महत्वपूर्ण चीज क्या है, व्यवसाय पर उसका विपरीत प्रभाव होना चाहिए। गलत दी हुई है बेटा, धारा एक ही है, धारा 44, करनी नहीं दूसरी धारा। ठहराव का निरंतर उल्लंघन, जहां एक साझेदार उसे छोड़कर जो बात प्रस्तुत कर रहा है, खुद थोड़ी ना जाके बोलेगा मैं ठहराव का उल्लंघन कर रहा हूँ, फर्म को समाप्त कर दो, उसके अलावा ही कोई और बोलेगा ना, और क्या। फर्म के कामकाज के प्रबंध या उसके व्यवसाय के परिचालन के संबंध में ठहराव का स्वेच्छापूर्वक निरंतर उल्लंघन कर रहा है, बाकी साझेदारों के लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है कि भाई वो उसके साथ साझेदारी में व्यवसाय चला पाए, न्यायालय में आवेदन दे दो, न्यायालय आपकी फर्म को समाप्त करवा देगी। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, पहला गबन, गबन मतलब संपत्ति का दुरुपयोग। दूसरा गलत तरीके से खाते रखना, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा कैश रोकड़ रखना, या फिर बार बार आवेदन देने के पश्चात भी खातों का प्रदर्शन नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती हैं, साझेदारी ठहराव का उल्लंघन। फिर आया हित का अंतरण, ये हित का अंतरण तो मैं लिखवाऊंगी, दो लाइनें इसके लिए लिखवा दूंगी। नेक्स्ट पे आ जाओ निरंतर हानि, जहाँ फर्म का व्यवसाय भविष्य में बिना हानि के चलाया ही नहीं जा सकता, न्यायालय उसके समापन का आदेश दे सकता है। उचित व न्यायपूर्ण आधार, न्यायालय को अन्य भी कोई आधार जो कैसा लगे, उचित लगे, न्यायपूर्ण लगे, समानता का लगे, ठीक है, तो क्या कर सकता है, समापन का आदेश दे सकता है। कौन कौन से मामले देखो इसमें लिख के आ रहा है, प्रबंध में गतिरोध, साझेदारों के बीच में आपस में बोलचाल बंद है, फर्म के सार तत्व का ही हनन हो गया, और स्टॉक एक्सचेंज में एक साझेदार जुआ खेल रहा है। समझ आया कि नहीं आया, बताओ बेटा। तो वही तो मैंने बोला ना, अपने पैसे होने चाहिए ना, ये किसके लगा रहा है, फर्म के लगा रहा है, वो गलत है।
फर्म के लगा रहा है वो गलत है, यहां तक समझ आया कि नहीं है बता बेटा। अब इसकी दो लाइनें लिख लो ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। किसके लिए? हित का अंतरण, इसमें लिखो दो लाइनें क्योंकि यहां की लैंग्वेज कठिन पड़ेगी। हित का अंतरण मैं इजी करवा देती हूं। यदि यदि एक साझेदार द्वारा यदि एक साझेदार द्वारा हित का अंतरण सर्वसहमति के बिना किया जाता है, एक साझेदार द्वारा हित का अंतरण सर्वसहमति के बिना किया जाता है तो जिस साझेदार की सहमति नहीं ली गई है, वह न्यायालय में फर्म के समापन के लिए वाद दायर कर सकता है। अब देखो बेटा, इतना बड़ा टॉपिक था ना ये समापन वाला क्वेश्चन, देखो एक साथ पूरा पेज नंबर 3.219 पे देखना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत साझेदारी फर्म का समापन कब अंजाम पाता है? भाई ज्यादा से ज्यादा कितने का? 6 मार्क्स। पढ़ा तो टॉपिक बहुत बड़ा है, पहले तो पढ़ा बिना न्यायालय वाले, फिर पढ़े न्यायालय के आदेश वाले। तो जो बिना न्यायालय वाले थे ना पॉइंट, उन पॉइंट को तो पूरा बताओगे, और जो न्यायालय वाले हैं उनकी सिर्फ हेडिंग, नाम। तुम इसका आंसर देखो, आईसीआई ने जो आंसर दिया है, सबसे पहले तो बता दिया इन्होंने, जो डिफरेंस से ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ था ना अंतर से पहले, सभी साझेदारों के बीच संबंध समाप्त हो जाए फर्म का समापन। लेकिन कई बार अंतर आता है, नया आ गया, पुराना चला गया, मृत्यु दिवालिया, साझेदारी का समापन होता है परंतु फर्म जारी रहती है, वो पैराग्राफ है। फिर आया कि फर्म का समापन अंजाम पा सकता है। अब यहां तक देखो, ये पूरा किसका है? बिना न्यायालय के आदेश। ठहराव द्वारा समापन, अनिवार्य समापन के दो पॉइंट है, देखो पढ़ लो, सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो जाएं, व्यवसाय गैर कानूनी, आगे ना दोनों अब यहां पे। फिर आया आकस्मिकता के घटना पे, 4 पॉइंट आगे। फिर आया ऐच्छिक साझेदारी वाला पॉइंट, आगे ना सारे। अब न्यायालय वाले में सिर्फ नाम है, देखो ऊपर थोड़ा थोड़ा तो दिया है ना बेटा, अलग अलग पॉइंट्स थे अपने, थे कितने पॉइंट वहां पे, धाराएं अलग अलग है ना, तो नाम तो दोगे ना कुछ कुछ। अब जैसे अनिवार्य समापन में था मैटर, सभी दिवालिया हो जाए, एक को छोड़कर सभी हो जाए, व्यवसाय, तीनों चीजें दी है इसमें। आकस्मिकता में 4 पॉइंट आ रहे थे, 4 पॉइंट दिए इसमें, आप भी डाल के आना। समझ आ गया? 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो इतना मैटर बहुत है, एक्स्ट्रा ज्यादा देके आने की जरूरत नहीं कि हम डिस्क्राइब करेंगे फिर हमारा आता हुआ क्वेश्चन छूटेगा। कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा। आज का टॉपिक यहाँ तक लेते हैं, कल अपनी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी और अपन कंपनी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। एनी अदर क्वेरी, किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। नहीं तो आज यहाँ तक करो। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ? हाँ हमने थोड़ी ना की, आईसीआई चल रही है भाई। एक साझेदार पागल हो गया, पढ़ा था ना अपन ने, मानसिक अस्वस्थ लिखाना तुझको। चलो आईसीआई गूगल पे करेगा, गूगल ट्रांसलेटर तेरा सही नहीं है। हम कुछ तो कर नहीं पाएंगे, हम उसी से करेंगे। नए वाले